व्हाट्स अप गाइस, दिस इज तरुण मोलरी और समर्स आ गई हैं और अब टाइम है स्किन केयर गेम को चेंज करने का। सो आज हम ऐसी 5 हैबिट्स डिस्कस करेंगे दैट योर स्किन विल थैंक यू फॉर। एंड आई नो आप लोग बहुत एक्साइटेड हो, सो मेक श्योर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हैबिट नंबर 1 इज यूजिंग सनस्क्रीन एट ऑल टाइम्स। पहले मैं सनस्क्रीन को बहुत ज्यादा अवॉइड करता था, बट धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि सनस्क्रीन सबसे इंपॉर्टेंट है स्किन केयर में। सनस्क्रीन एक ऐसी चीज है जो मैं अपनी पॉकेट में या बैग में हमेशा लेके चलता हूँ, क्योंकि सन डैमेज से सिर्फ टैनिंग नहीं होती, आपकी फोटो एजिंग होने लग जाती है, रिंकल्स आ जाएंगे, आपको इवन स्किन कैंसर भी हो सकता है सन डैमेज से। तो आपको एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाली सनस्क्रीन चाहिए जो आपको यूवी रेज से और यूवीबी रेज दोनों से बचाएगी। स्पेशली अब समर्स में जो सन है वो बहुत ज़्यादा हार्श होता है हमारी स्किन पे। तो अगर आप स्कूल जाते हो या कॉलेज जाते हो या फिर ऑफिस जाते हो, बाहर ट्रैवल करते हो बहुत ज़्यादा, आउटडोर्स में खेलते हो स्पोर्ट्स, देन सनस्क्रीन इज अ मस्ट। अगर आपको और जानना है डिटेल में सनस्क्रीन के बारे में, या फिर अगर आपको टैनिंग हो गई है तो आपको डी टैन करना है अपना फेस, तो दोनों वीडियोज मैंने ऑलरेडी बना रखे चैनल पे, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप उनको जाके भी देख सकते हो। सेकेंड हैबिट इज नो योर स्किन टाइप। बहुत पहले मुझे भी नहीं पता था अपना स्किन टाइप क्या है। घर में कोई भी प्रोडक्ट पड़ा है मैं उसको यूज़ कर लेता था, उसकी वजह से वो स्किन पे सूट नहीं करता था, कभी कभी एक्ने भी हो जाते थे और मैं एट दी एंड बोलता था कि प्रोडक्ट्स ही बेकार हैं। नो, द प्रोडक्ट्स आर नॉट बैड। आपको अपना स्किन टाइप ही नहीं पता है अगर, तो आप किस बेसिस पे प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हो, राइट? आपको रिसर्च करनी बहुत ज़रूरी है अपने स्किन टाइप के बारे में। आप अपना स्किन टाइप पहचानो एंड देन मूव ऑन टू द प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंगली, क्योंकि अगर आप सही प्रोडक्ट्स लगाओगे तो ऑटोमेटिकली स्किन धीरे धीरे इंप्रूव होने लग जाएगी, राइट? और अगर आपको नहीं पता कि स्किन टाइप कैसे पता करना है, देन आई हैव मेड द वीडियो ऑन द चैनल, उसका जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। थर्ड हैबिट इज हैविंग अ स्किन केयर रूटीन। अब बहुत पहले मेरा कोई स्किन केयर रूटीन नहीं हुआ करता था। इनफैक्ट अभी भी अगर मैं आसपास अपने फ्रेंड से या बहुत लोगों से अगर मैं पूछूं आसपास, तो किसी का भी एक प्रॉपर या किसी भी तरीके का स्किन केयर रूटीन ही नहीं है, राइट? अगर आप सुबह स्कूल जाते हो या कॉलेज जाते हो या फिर ऑफिस जाते हो, तो सबसे पहले यू नीड टू अप्लाई अ फेस वॉश और उसके बाद यू हैव टू ऐड अ मॉइस्चराइजर। ये 2 टाइम आप दिन में कर सकते हो, एक प्रॉपर रूटीन बन जाएगा आपका। और जब भी आप बाहर जा रहे हो, मेक श्योर यू अप्लाई अ सनस्क्रीन। ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो आप फॉलो कर सकते हो टू हैव अ गुड एंड अ सिंपल बेसिक स्किन केयर रूटीन, राइट? अब अगर आप ये बेसिक चीज़ें फॉलो कर रहे हो तो आप कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो, दैट विल बी अ गेम चेंजर। सबसे पहली चीज़ इज नाइट क्रीम। नाइट क्रीम की कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक होती है और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपकी स्किन को रेडिएंट और ग्लोइंग बनाने के लिए ओवरनाइट। नाइट क्रीम के बारे में मैंने पहले भी बताया, अगर आप चाहते हो कि मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ नाइट क्रीम के बारे में, देन कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल डेफिनेटली मेक इट। अब नाइट क्रीम के साथ साथ आप एक और चीज ऐड कर सकते हो, दैट विल बी अ गेम चेंजर, इज दिस शीट मास्क फ्रॉम लॉरियल पैरिस। इट इज अ क्रिस्टल माइक्रो एसेंस शीट मास्क एंड इट पेनिट्रेट्स 10 लेयर्स डीप इन टू योर स्किन। सो बेसिकली ये शीट मास्क आपको रेडियंट और ग्लोइंग स्किन अचीव करने में हेल्प करता है। ये सुपर हाइड्रेटिंग है और ये आपके पोर्स को अनक्लॉक करने में हेल्प करता है। एंड ऑल यू हैव टू डू इज अप्लाई द शीट मास्क ऑन योर फेस एंड लीव इट फॉर सम टाइम। ये बहुत ज़्यादा लाइट है, थिन है, ब्रीदेबल है, तो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन भी नहीं होगी। जस्ट लीव इट एंड लेट इट डू इट्स मैजिक। मास्क को उतारने के बाद जो एसेंस है आपको उसको मसाज करना है, विच इज़ रियली हाइड्रेटिंग फॉर योर स्किन। आप इसको डेफिनेटली ऐड कर सकते हो अपने स्किन केयर रूटीन में। आप हफ्ते में 2 से 3 बार इसको लगा सकते हो। इट इज़ फॉर 150 रुपीज़ एंड इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूंगा, यू कैन गो देयर एंड चेक इट आउट। हैबिट नंबर 4 इज अ हेल्दी डाइट एंड से नो टू स्मोकिंग। डाइट का मतलब इज फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शुगर इनटेक बहुत ज़्यादा करते हो और साथ ही साथ आप अनहेल्दी फैट्स भी इनटेक करते हो, तो इसका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है, जिसकी वजह से आपको ब्रेकआउट्स, एक्ने बहुत जल्दी हो जाएंगे। इससे आपकी जो स्किन टोन है वो बहुत ज़्यादा डल लगेगी, आपकी स्किन का टेक्सचर खराब हो जाएगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएगी आपकी स्किन को। अब विटामिन सी के सोर्सेज को ऐड करो अपनी डाइट में, जो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं एक ग्लोइंग स्किन में। साथ ही साथ जो बैड हैबिट्स है लाइक स्मोकिंग,
स्मोकिंग आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है, क्योंकि स्मोकिंग से ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, इसकी वजह से न्यूट्रिएंट सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन की जो टेक्सचर है, टोन है, सब कुछ डल लगने लग जाता है, राइट? तो आपको अनहेल्दी हैबिट्स को अवॉइड करना है। तो फिफ्थ हैबिट इज क्लीन योर पिलो केस एवरी नाउ एंड देन। ये मेरी बहुत गंदी हैबिट थी कि मैं पिलो केस जल्दी से जल्दी नहीं बदलता था। मेरा स्किन केयर रूटीन सही था, मेरी डाइट भी सही थी, बट कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं वो खराब थी, जिसकी वजह से एक्ने हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाती है, फिर हम रियलाइज करते हैं कि कहाँ गलती हो रही है। तो पिलो केस अगर आप नहीं बदलोगे तो उस पर डर्ट हो जाएगी, ऑयल बिल्डअप हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा, तो जब आप सोओगे वो वापस आपके चेहरे पे अटैक करेंगे, दैट विल लीड टू ब्रेकआउट्स एंड एक्ने। तो पिलो केस बदलो, और साथ ही साथ वो सॉफ्ट हो पिलो केस, दैट विल बी बेटर, क्योंकि अगर वो रफ होगा तो वो आपकी स्किन से रगड़ेगा ओवरनाइट, विच इज नॉट गुड फॉर यू। साथ ही साथ डोंट टच योर फेस अगेन एंड अगेन, इस पे डर्ट होता है, बैक्टीरिया होता है, एंड आई नो कि बहुत ज्यादा टेम्पटिंग होता है जब एक्ने होता है, हम उसको फोड़ने की कोशिश करते हैं, बार बार छूते रहते हैं, That is not right. So don't touch your face again and again. और कुछ छोटी छोटी habits जो हैं cleanliness maintain करनी है, साथ ही साथ एक good skin care routine, and your skin will thank you. And that's it for this video. I hope आप लोगों को video पसंद आई हो। अगर आप नए हो इस channel पे, then make sure you subscribe the channel. और अगर आपके पास कोई भी query है, question है, या आप next topic बताना चाहते हो, then comment down below and I will be really happy to make the video for you. And I will see you again next time.